भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए दिया हर तरह की मदद का भरोसा। नड्डा के कुल्लू व मंडी विजिट के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल आदि भी रहे मौजूद। नड्डा बोले, मुसीबत की इस घड़ी में प्रदेश की जनता व सरकार के साथ खड़ी है भाजपा। बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए NDRF व एयरफोर्स के जवानों के साथ साथ MiG-17 हेलीकॉप्टर भी भेज चुकी है केंद्र सरकार। नड्डा बोले, PM व HM के अलावा बाढ़ के हालात को लेकर उनसे भी हो चुकी है मुख्यमंत्री व पूर्व CM की चर्चा। हिमाचल से संबंध रखने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज मंडी व कुल्लू जिला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। BJP प्रेसिडेंट के इस विजिट के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मंडी में भारी बाढ़ के बावजूद पूरी तरह सुरक्षित रहे शिव मंदिर के दर्शन भी किए और आसपास बाढ़ पीड़ितों से बात भी की। पत्रकारों से बातचीत में नड्डा ने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार हिमाचल की हर तरह से मदद कर रही है और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए NDRF और एयरफोर्स के जवानों के साथ साथ MiG-17 हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के हालात को लेकर हिमाचल के CM और पूर्व मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री पर उनकी भी चर्चा हो चुकी है और संकट की इस घड़ी में भाजपा पूरी तरह प्रदेश की जनता व सरकार के साथ खड़ी है। नड्डा ने प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही मांग के मुताबिक PM मोदी की तरफ से आर्थिक मदद का भी भरोसा दिया और प्रदेश के कुछ मंत्रियों द्वारा इस पर सवाल उठाने अथवा शंका जाहिर करने को गलत बताया। गौरतलब है कि शनिवार को प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला शुरू होते ही दूसरे दिन से सूबे के कई मंत्री लगातार केंद्र सरकार से अब तक हुए 4,000 करोड़ के नुकसान के एवज में 5,000 करोड़ की मदद की गुहार लगा रहे हैं और जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र द्वारा हिमाचल को 180 करोड़ की मदद की पहली किस्त भी जारी की जा चुकी है। आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक गत विधानसभा इलेक्शन में दी गई 10 गारंटी में से OPS की पहली गारंटी पूरी करते ही प्रदेश सरकार आर्थिक कंगाली अथवा ओवरड्राफ्ट की स्थिति में पहुंच चुकी है और मंत्रियों द्वारा केंद्र से की जा रही अपील से समझा जा रहा है कि हिमाचल अपने दम पर बाढ़ से हुए भारी भरकम नुकसान की भरपाई करने की हालत में नहीं है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों द्वारा गत माह तक सूबे पर 75,000 करोड़ का कर्ज होने व पिछले सप्ताह से लगातार बाढ़ से भारी भरकम नुकसान और मौत संबंधी बयान जारी किए जाने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कई लोग पैनिक सिचुएशन में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी इलाकों में अब तक मूलभूत सुविधाएं रिस्टोर होना बाकी है। अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से हिमाचल की जनता को और मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस आपदा से ये जो नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ और जिस तरीके से ये आपदा आई, इस दुख भरी घड़ी में हम सब लोग प्रदेशवासियों के साथ खड़े हैं, प्रदेशवासियों के लिए खड़े हैं। जहाँ तक राहत कार्य का सवाल है, राहत कार्य के लिए जो हमको NDRF को भेजना था, लगभग 13 टीम NDRF की आई हुई हैं, वह जान की रक्षा के लिए लगी हुई हैं और उसी तरीके से SDRF भी यहाँ पूरी तत्परता से लगी हुई है। आर्थिक दृष्टि से जो केंद्र से मदद की बात कही गई है, वह केंद्र की मदद निश्चित रूप से उनको मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ भी आर्थिक दृष्टि से राहत के लिए और पुनर्वास के लिए जो आवश्यक होगा, वह केंद्र सरकार निश्चित रूप से यहाँ पर उसको प्रदान करेगी। साथ ही साथ हम सब लोग एक साथ मिलकर इस आपदा को से निकलने का हम प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, 9 तारीख को गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बातचीत की थी, 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की, मैंने खुद बातचीत की और प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से भी बातचीत की। सारे पार्टी के लोग पूरी ताकत के साथ राहत कार्य में भी जुटे, हर स्थान पर जुटे, छोटे बड़े स्थानों पर जहाँ जहाँ लोगों को इवैक्यूएट करना था उसमें सब लोग लगे हैं और आगे भी राहत कार्य में लगे रहेंगे। ऐसे आपदा के समय हम सब लोग एकजुट होकर इससे लड़े और केंद्र सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरा
सहयोग और सपोर्ट आर्थिक दृष्टि से भी और जो हमको व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक होगा वह उसमें कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ MI-17 के हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू में लगाए गए हैं, विपरीत परिस्थिति में लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। आगे भी जो आवश्यकता होगी उसको हम पूरा करेंगे।